आज फिर हम दिलीप कुमार जी के चाहने वाले के लिए जिनर जी को बुलाए हैं और वो सामने से आ रहे हैं। पुराने लोग हमेशा टाइम के पाबंद होते हैं, नए लोग की तो बात ही नहीं कर रहे हम। जूनियर जी सामने से आए हैं, वो देखिए आ रहे हैं। जूनियर जी बहुत बहुत, कोई ज़्यादा इंतज़ार नहीं हुआ, आप टाइम पे आए। जी जी। और अभी बारिश भी हो रही है। जी जी। बात कुछ बात हम लोग खड़े खड़े करते हैं, बाद में बैठ के भी बात करते हैं भाई। जी ठीक ठीक ठीक। दिलीप साहब के ऊपर कुछ रोशनी डालिए, एक्टिंग के ऊपर कुछ बात बताइए। दिलीप साहब के बारे में मैं क्या क्या बताऊं क्या नहीं बताऊं, ऐसा मसला हो गया है क्योंकि इतने बड़े फनकार के बारे में मुझ जैसे छोटे से फनकार के कुछ अल्फाज निकले तो ये मेरे लिए खुशकिस्मती होगी क्योंकि इतने बड़े इंसान के बारे में बोलना बहुत अच्छी बात है। दिलीप कुमार साहब जैसे फनकार ना तो कभी इस सदी में आए हैं ना अगली सदी में आएंगे। और हम मैंने पिछले एक इंटरव्यू में कहा था कि हम बड़े नसीब वाले हैं कि हम इस सदी में पैदा हुए हैं जिसमें दिलीप कुमार साहब मौजूद हैं। मालिक करे उनकी बहुत लंबी आयु हो और फिर से कोई ऐसा सिलसिला बन जाए, उसकी रहमत ऐसे जोश पे आए कि दिलीप साहब कैमरे के सामने आने के काबिल हो जाएं। कुछ ऐसी बात है जो हमेशा आपको दिल भर जाती है, और ऐसी क्या चीज़ें आपको याद आती दिलीप जी की हमेशा? दिलीप साहब की मेहनत, किसी रोल में ढल जाना, उसको अपना बना लेना, यानी समो जाना। वो भूल जाते हैं कि मैं इतना बड़ा स्टार हूँ या क्या हूँ। अगर वो गोपी में गोपी का रोल प्ले कर रहे हैं तो आपको टिपिकल एक गांव वाला गोपी दिखेगा। सगीना में देख लीजिए आप, उस ज़माने के एक मजदूर को देख लीजिए आप, आपको वही दिखेंगे। दिल दिया दर्द दिया में देख लीजिए आप, वो प्राण अंकल के सर्वेंट होते हैं तो आपको वाकई में हर तरह से सर्वेंट ही दिखते हैं वो। ये सारी बातें रामो श्याम देख लीजिए, बड़ी बड़ी फिल्में देख लीजिए उनकी, जहाँ भी वो रहे हैं वो आपको झिंझोड़ के थिएटर से घर पहुँचाते हैं और आपके पैसे वसूल हो जाते हैं बकौल फिल्मी ज़बान के, और आपको एक तसल्ली ज़रूर होती है दिलीप साहब को देख के। इसीलिए हर दिल में दिलीप साहब बसे हुए हैं क्योंकि वो वाकई में जेन्युइनली बहुत बड़े और नेचुरल कलाकार हैं। दिलीप जी की एक बात बहुत कॉमन है, फेमस है, जिस हीरोइन के साथ अगर उन्होंने काम किया तो हीरोइन ही बन के आई, उनको बहन नहीं बनाया, माँ नहीं बनाया। ये उनका पर्सनल अचीवमेंट है, ये पर्सनल राइट्स हैं उनके। अगर उन्होंने ऐसा सोचा या ऐसा किया तो उनके अपने आदर्श हैं, प्रिंसिपल्स हैं लाइफ के, तो इतना तो मैं उसमें उतरा हुआ नहीं हूँ। अलबत्त ये हाँ, जो सुनी सुनाई बातें वो यही है जैसे आपने कहा कि जिस फिल्म में एक हीरोइन उनके सामने आ गई तो दोबारा उसे किसी फिल्म में अपनी बहन के तौर पे या माँ के या भाभी के तौर पे वो नहीं रखते। अभी आगे चलते हैं और बैठ के महमूद जी से बात करने की कोशिश करते हैं। दिलीप कुमार के चाहने वाले बहुत है, बहुत ज़्यादा फैन है। आज जूनियर जी से हम पूछेंगे दिलीप साहब की एक्टिंग के बारे में और उनके पारिवारिक ज़िंदगी के बारे में। सुनने वालों को सलाम नमस्कार सत श्री अकाल दोस्तों। दिलीप साहब, सलाम भाई, पहली बात तो है कि इतने बड़े कलाकार के बारे में बोलना मुझ जैसे छोटे से कलाकार की बस की बात तो नहीं, चूँकि मैं भी फ़ैन हूँ तो मैं ज़रूर बोलूँगा क्योंकि यूसुफ साहब से सभी मुतासिर हैं, हम भी हैं। तो अब इतना बड़ा ग्राफ है उनकी ज़िंदगी, उनका करियर ऐसा रहा है कि उनकी मैं शुरुआत ही उनके एक फेवरेट कथा है उनकी, जब भी अदबी महफिल में जाते हैं यूसुफ साहब दिलीप कुमार साहब तो एक कथा ज़रूर पढ़ते हैं जो कि उनको बहुत पसंद है कि सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूँ, सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूँ, ज़रा नज़र जो मिले फिर उन्हें सलाम करूँ, मुझे तो होश नहीं आप मशवरा दीजिए, मुझे तो होश नहीं आप मशवरा दीजिए, कहाँ से छेड़ूँ फसाना कहाँ तमाम करूँ। ये यूसुफ साहब की बिगनिंग होती है बड़ी अदबी महफिलों में, और चूंकि आपने मुझसे उनके बारे में पूछा तो काफ़ी हद तक ये कथा उन पर पूरी चस्पा हो रही है, पूरी सूट हो रही है। दिलीप कुमार साहब जैसे कि मैंने पिछले एक इंटरव्यू में कहा कि सदियों में एक पैदा होता है, 1944 में उनकी पहली फिल्म बनी थी जवाहर भाटा, हम पैदा ही नहीं हुए थे। फिर जो फिल्म फेयर अवार्ड मिला उन्हें वो 1954 में मिला दाग फिल्म का, जब भी हम पैदा नहीं हुए थे, हम 56 में पैदा हुए। उस बीच में 3 फिल्म फेयर भी ले चुके थे, और फिल्म फेयर हमारे लिए बहुत बड़ा मरकज़ है या बहुत बड़ा अचीवमेंट है फिल्म इंडस्ट्री के लिए, यह कुछ सालों तक पहले तक था। और इनको तकरीबन जहाँ तक मेरी याददाश्त काम कर रही है कि फिल्म फेयर ने दिलीप कुमार साहब को 10 बार नवाजा है और 7-8 बार उन्हें एक्टिंग के सिलसिले में अवार्ड दिए गए, फिर लाइफ
टाइम अचीवमेंट दिया गया। और मैं समझता हूँ कि ये पहला फनकार है दिलीप कुमार साहब जिन्होंने आइंदा अवार्ड ना लेने का अनाउंस किया था कि नए जो बच्चे आएंगे उनकी हौसला अफजाई करें, उनकी हिम्मत अफजाई करें। तो इन्होंने वो किया था जो कि बहुत अच्छी बात थी और एक तरह का ट्रेंड सेट हो गया उसके बाद। फिर हमारे रफ़ी साहब ने भी यही किया, लता दीदी ने भी यही किया, जो कि अच्छा है कि नए बच्चे जो आएंगे या नया टैलेंट जो आएगा वो पब्लिक के सामने उभर के आएगा। और रही बात दिलीप कुमार साहब के टैलेंट की बात, सलाम भाई मैं फैक्ट बताऊँ आपको, सदियों में ऐसा फ़नकार पैदा होता है, हम जैसे तो रोज़ होते हैं, मैं सही बताऊँ आपको। और बड़ी बात यह कि दिलीप कुमार साहब को हम जानते हैं या उनके साथ उठे बैठे हैं, ये बहुत बड़ा अवार्ड है हमारे लिए, हमारे लिए बहुत बड़ा अवार्ड है, क्योंकि इतनी बड़ी शख्सियत को आप जानते हो। और रही उनके एक्टिंग टैलेंट की बात, तो मैं तो क्या बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोहा मानते हैं, क्योंकि वो हैं इस काबिल, उन्होंने उतना प्रूव करके दिखाया। अब देखिए मज़े की बात, मैं इतना सा छोटा सा हूँ और मैंने कोई बहुत कुछ तोप तमंचे नहीं चलाए करियर में अपने, पर इतनी सी उम्र में मैंने कुछ 265 से 70 फिल्में काम किया है, 270 पकड़ लीजिए आप। मैं दिलीप कुमार साहब ने पूरे करियर में जहाँ तक उनकी फिल्में लगने का सवाल है 62 या 63 फिल्में उनकी लगी है, 63 जहाँ तक मेरी याददाश्त चल रही है, क्योंकि हम उनके रेगुलर फ़ैन हैं, हर फिल्म देखने की कोशिश की है हमने, देखी भी है, ऐसा नहीं कि नहीं देखी है, कुछ ना कुछ सीखने मिलता था हमको। खुसूसन मैं ये समझता हूँ कि इतना बड़ा इंस्पिरेशन हमारी इंडस्ट्री में दूसरा नहीं होगा, नहीं है भी, मैं बताऊँ नहीं भी है। अलबत्ता इधर हमारे ज़माने में बलराज सानी साहब, मोतीलाल साहब मुझसे थोड़ा पहले, उनकी फिल्में देख देख के हम सोचते थे ऐसा ऐसा ऐसा, बाद में जब दिलीप साहब को देख लिया तो अब यकीन कीजिए कि बस आपको निचोड़ के भेजते थे थिएटर से, वो कि ऐसा ही गोपी होगा, सगीना भी ऐसे ही होगा, शंकर जो है दिल दिया दर्द लिया का वो भी ऐसे ही होगा, यानी आप किस किस बात को कहेंगे ना कि प्रूफ दिलवाएंगे। और बड़े नसीब वाले हम सब लोग जिन्होंने यूसुफ साहब की फिल्में, दिलीप साहब की फिल्में एंजॉय की, देखा, इतना नेचुरल एक्टर, यानी कि कहानी को हकीकत में डालना ये फिल्म की परिभाषा है, फिल्म मेकिंग क्या है कि कहानी को हकीकत में ढालना, और दिलीप कुमार साहब इस हकीकत को आपके घर तक पहुंचाते थे, आपकी ज़िंदगी को छुआते थे। और मैं अकेला नहीं, मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के जितने उनके चाहने वाले हैं, फिल्म देखने वाले हैं, काफ़ी लोग मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि दिलीप कुमार साहब जैसा फनकार, आपके घर तक पहुँचने वाला कलाकार इस मुल्क में दूसरा तो अब तक तो पैदा नहीं हुआ, आगे हो जाए उसकी रजा, पर अब तक तो नहीं हुआ। उनके परिवार में कितने भाई कितने बहन थे, इस पे रोशनी डालेंगे आप? अभी तो काफ़ी कुछ उनके बारे में छपा था, सब जानते हैं, 6 भाई हैं, 6 बहनें रही हैं माशाल्लाह, और अच्छी फैमिली, वेल टू डू फैमिली, पढ़ी लिखी फैमिली, अदब वाली फैमिली। और चूंकि मैं 4 बहनों से ही वाकिफ हूँ, आपा जी को लेके, सईद आपा को लेके, तो बाकी 2 महीनों से तो मैं इतना क्लोज उनके नहीं हूँ जितना मैं उनके भाई एहसान भाई के क्लोज था, और एहसान भाई के ज़रिए साहब के को भी सलाम दुआएं किया करता था, साहब के पास जाके चाय बिस्किट विस्किट अपना चलता, कभी कभी चलता था, चीज़ें याद आती हैं सलाम भाई, अच्छाइयाँ याद रह जाती है, बाकी चीज़ें तो चलती रहेंगी, मगर इंसानियत, मोहब्बत और सामने वाले की दीवी इज्जत, ये बहुत बड़ा सरमाया है ज़िंदगी का। हम दर्शक को बताना चाहेंगे, तेज़ बारिश हो रही है लेकिन भाई जूनियर भाई हमारे साथ बैठे हैं, भीग रहे हैं और इंटरव्यू दे रहे हैं, और भी कोई दिलीप साहब के ऊपर रोशनी डालने की बात करेंगे। मैं दिलीप साहब के बारे में क्या रोशनी डालूं सलाम भाई, बहुत छोटा हूं मैं उनके कद के हिसाब से, बहुत छोटा हूं, पर हाँ फिल्म फेयर वालों ने इन्हें 10 बार नवाजा है, और पहली बार 1954 में पहला अवार्ड लिया था इन्होंने दाग फिल्म के लिए, उसके बाद में आखिरी में मेरे ख्याल से 1983 में कुछ लिया, फिर उन्हें लाइफ अचीवमेंट दिया गया, फिर नेशनल अवार्ड ने 3 बार नवाजा उन्हें, आईफा ने नवाजा उन्हें, दादा साहब फाल्के मिला है उनको, पद्म भूषण मिला है, विभूषण मिला है। मैं क्या बोलूँ, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, अलबत्ता ही उनका फ़ैन हूँ, ये मेरे में बड़ी बात है कि मैं दिलीप साहब को चाहने वाला हूँ और दिल से चाहता हूँ, और कभी ऐसे मौके मिले तो और भी बातें हम शेयर करेंगे। इंटरव्यू तो काफ़ी लंबा लेना था ये सोच के आए थे, लेकिन बारिश जो है इजाज़त नहीं दे रही है, अगली बार बहुत जल्द जूनियर जी को लेके दिलीप साहब के ऊपर और एक बार बात करेंगे। मैं इंडिया आज के लिए सलाम काजी।